इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की उम्र 100 साल से अधिक हो चुकी है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बरसातों को झेलने वाले विश्वविद्यालय के RNT मार्ग पर बने भवन धीरे धीरे अब कमजोर होते जा रहा है और यदि समय रहते उनका ख्याल नहीं किया गया तो कोई बड़े हादसे से इनकार की गुंजाइश भी नहीं। दरअसल गुरुवार दोपहर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के एक कक्ष में अचानक एक छज्जा भरभरा कर नीचे आ गया। कुछ देर के लिए हलचल जरूर मची लेकिन कोई जनहानि छज्जा गिरने से नहीं हुई। हादसे की जानकारी कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन को लगी तो उन्होंने हादसे वाली जगह को लेकर तत्काल मरम्मत के आदेश जारी करते ही विश्वविद्यालय के RNT मार्ग भवन के ही लाइब्रेरी में भी कुछ इसी तरह से बने इस कमजोर भवन में कई जगह से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और तकरीबन 4 रोज पहले लाइब्रेरी में भी एक ऐसा ही हादसा सामने आया। गनीमत रही कि हादसा होते समय उस इलाके में छात्र नहीं बैठे हुए थे। हालांकि लाइब्रेरी में हुए हादसे ने पंखे को जरूर अपनी जद में लेते हुए टेढ़ा कर दिया। ऐसा ही लाइब्रेरी के बाथरूम में भी हमारे कैमरे की नजर ने देखा। कुछ मिलाकर दोनों ही मामले में बात की गई तो प्रशासन विभाग की अधिकारी ने हुए हादसे को कुछ इस तरह बताया। वह दोनों मामलों को लेकर कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन बिल्डिंग का पुराना होना और हाल ही में हुई बारिश का मुख्य कारण बताते हुए जल्द ही मरम्मत कराने के बाद मीडिया से कही है। मैम, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के किस कक्ष में आप बैठती हैं और वर्तमान में वहाँ पे क्या हुआ है? मैं 5 मिनट के लिए उठी, गेट तक गई, उठने में ऊपर से छत गिरी, छत का एक छोटा पोखरा गिरा। मैम, गिरी हुई उस छत से कोई हताहत हुआ है? नहीं, कोई नहीं हताहत तो कोई नहीं हुआ क्योंकि उठ गई थी मैं वहां से। इससे पहले भी इस कक्ष में कोई हादसा हुआ है जिसके आपने शिकायत की हो प्रशासन से? मेरे पड़ोस में जो मैडम बैठी है उनके यहाँ थोड़ा सा हादसा हुआ था, गिरी थी छत, उस टाइम इंजीनियरिंग सेक्शन को बताया था, उसके बाद कोई अभी कार्रवाई नहीं है। फिलहाल जो हादसा हुआ उसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी का? अभी कोई नुकसान नहीं हुआ। आपका परिचय? मेरा श्रीमती लता बागदरे, प्रशासन विभाग, सहायक रेखी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छोटी छोटी सी दो घटनाएं हुई हैं प्लास्टर गिरने की, क्या पूरा मामला है और क्या कहना चाहते हैं आप? ये आज सुबह की बात है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम कर रहे थे वहीं पर उनके पास ही उठ कर गई थी टेबल से, तब वहाँ पर जो पीछे काम कर रही थी वहाँ पर प्लास्टर गिरा था एकदम से, तो थोड़ा काफी जो गिरा था उससे चोट लग सकती थी, पर बहुत गनीमत हुई किसी को चोट नहीं लगी। और उसके धमक से पास में भी थोड़ा सा और गिरा है। ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी है, 150 साल के लगभग पुरानी है, तो इसलिए इसमें थोड़ी बहुत इस तरह का होती रहती है। अभी बारिश चल रही थी इसलिए मरम्मत नहीं करवा पाए, अब जैसे ही बारिश थमी है अब मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। मैम, ग्रंथालय लाइब्रेरी में भी कुछ बाथरूम से लगा करके हॉल तक के? हाँ, आज जब हम लोग ये देखने गए थे तभी पता चला कि लाइब्रेरी में भी 7-8 दिन पहले गिरा था, पर दोनों ही का काम मंडे से शुरू हो जाएगा मरम्मत का। मैम, फिलहाल कोई हताहत? नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, चोट भी नहीं पहुंची, बहुत ही गनीमत हुई, समय सब लोग जो थे वहां से हट गए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रिपेयर कराना तो बहुत जरूरी है क्योंकि बिल्डिंग काफी पुरानी है तो मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। मैम, क्या अब हुए घटनाक्रम के बाद में जो जिम्मेदार हैं उनको उनसे बात करेंगे, नोटिस देंगे या कुछ इस तरीके का? नहीं, जिम्मेदारी अभी मतलब ठीक करवाना जिम्मेदारी है, लेकिन अभी इस कार्य के लिए क्योंकि बिल्डिंग ही बहुत पुरानी है और बारिश काफी हुई थी तो इसलिए इसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता किसी को भी, लेकिन फिर भी ये कि समय समय पर मरम्मत होती रहनी चाहिए, इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है लोगों। थैंक यू।